हाय फ्रेंड्स, सो पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा कि मैंने 21 दिन का सुबह जल्दी उठने का चैलेंज लिया और उसे पूरा भी किया। अगर आप लोग ने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। सो उस वीडियो में मैंने कहा था कि कैसे एक नॉर्मल मॉर्निंग मिरेकल मॉर्निंग बन सकती है छोटी छोटी आदतों से। सो आज उन्हीं छोटी छोटी आदतों में से एक आदत के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो है तो बहुत सिंपल पर उसके बेनिफिट्स हैं कई। चलिए देखते हैं। जल ही जीवन है, पानी नहीं तो लाइफ नहीं, कुछ हरा नहीं कुछ नीला नहीं, ये तो हम सभी जानते हैं कि एवरेज पर्सन को एक दिन में 7 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। और ये भी सही है कि हमारी बॉडी 50 से 60% पानी से बनी है। सो पानी हमारी बॉडी में एक फ्यूल की तरह काम करता है, जो कि हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी बॉडी बहुत समय तक डिहाइड्रेटेड रहती है तो उससे हमें काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैंने अपनी रिसर्च में पाया कि बहुत सारी बीमारियों का लिंक डिहाइड्रेशन से है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, एंजिना, माइग्रेन्स, ब्रेस्ट कैंसर, किडनी स्टोन्स एट्सेट्रा। आयुर्वेदा कहता है कि उषा पान करिए। उषा का मतलब है सुबह और पान का मतलब है पीना, यानी हमें सुबह उठते ही खाली पेट पानी पीना चाहिए। और सुबह से मेरा मतलब है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो यानी कि वेकअप अर्ली वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के जरिए देख सकते हैं। सो हमें सुबह उठते ही खाली पेट ब्रश करने से पहले गर्म पानी पीना चाहिए। अब आप पूछेंगे ब्रश करने से पहले क्यों, तो इसका भी रीज़न है। हमारे मुंह में सलाइवा होता है जब हम सुबह उठते हैं, वो सलाइवा में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। मैंने जब इस आदत को स्टार्ट किया तो शुरू में थोड़ी दिक्कत होती थी, इवन 2 ग्लास पानी पीना भी बहुत भारी काम लगता था। टुडे इज डे 2, उठते साथ गर्म पानी पीना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ। डे 1 में तो मैं 2 ग्लास भी नहीं पी पाई थी ठीक से, पूरा नहीं पी पाई थी, तो धीरे धीरे ही हैबिट बनेगी। सो देखते हैं। धीरे धीरे पी सकते हैं हम, एकदम जल्दी पीने की भी जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप पी सकते हैं। आज मैं 2 ग्लास पी रही हूँ, डेट में गुड अचीवमेंट। पानी अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए, तो सुबह सुबह पीना चाहिए, बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, साइंटिफिकली भी कहा जाता है। सो गुड। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे लिए आसान हो गया और धीरे धीरे मेरी हैबिट बनने लगी। हाय फ्रेंड्स, सो टुडे इज़ माय 10th डे। अब मैं आराम से 2-2.5 ग्लास पानी पी लेती हूँ। हाँ, शुरू में थोड़ी दिक्कत आती थी, सो अब मैं आराम से 2-2.5 ग्लास तो पी लेती हूँ, बट हाँ मुझे इसको बढ़ा के 3 ग्लास करना है। और पानी को मैं रात में इस कॉपर वेसल में स्टोर करती हूँ और सुबह उठ के ल्यूकवॉर्म पानी आराम से पी लेती हूँ, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। और कॉपर वेसल के भी अपने बेनिफिट्स हैं एंड ल्यूकवॉर्म वाटर के तो है ही। और मुझे अपने बॉडी में डे 1 से जो इंस्टेंट बेनिफिट नज़र आ रहे हैं वो ये है, सबसे पहला कि मुझे ना एक बॉडी में एनर्जी सी आ जाती है, पानी पीते ही ना आप अलर्ट हो जाते हो, आपकी नींद भाग जाती है, आप आगे की एक्टिविटीज़ के लिए तैयार हो जाते हो। अदरवाइज़ क्या करते हो, अलार्म बजा आप बंद किया और सो गए, तो पास में पानी है तो आप आराम से उसको, कोई इलेक्ट्रिक केटल है या फ्लास्क में आपने गर्म पानी रखा हुआ है उसको आराम से आप पी के यू कैन स्टार्ट योर एक्टिविटी। और दूसरा ये कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इम्प्रूव हो गया है, सो इट इज़ वेरी गुड। आप इस हैबिट को अपनाइए, बहुत ईजी सी है यार, छोटी सी है, क्या है, पानी तो है, ईजीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इसके लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। सो आज मेरा 21वां दिन है पानी पीते हुए, अब मैं आराम से 3 ग्लास पानी पी लेती हूँ। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है और ये मुझे कोई चैलेंज जैसा नहीं लगा, बहुत ही ईजी है और ये काम कोई भी कर सकता है, पर इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। सो आज मैं आपको 10 इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स बताऊंगी जो कि सुबह खाली पेट पानी पीने से होते हैं। सबसे पहला तो ये कि ये हमारी बॉडी को रिहाइड्रेट करता है।
हम रात में इतने घंटे सोते हैं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। सो सुबह खाली पेट पानी पीने से हमारी बॉडी रिहाइड्रेटेड हो जाती है। दूसरा इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये कि पानी हमें एनर्जी देता है। पानी हमारी रेड ब्लड सेल्स की फास्टर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। सो ज्यादा रेड ब्लड सेल्स होंगी तो ज्यादा ऑक्सीजन, और ज्यादा ऑक्सीजन मतलब ज्यादा एनर्जी। हमारा ब्रेन 70% पानी से बना है। इससे हमारे ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारे बॉडी का हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वी कैन एक्सपीरियंस फटीग एंड मूड फ्लक्चुएशंस, और इसके आगे हमें मेमोरी लॉस भी हो सकता है और हमारे ब्रेन का परफॉर्मेंस भी अफेक्टेड हो सकता है। पानी हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। जब हम रात में सोते हैं तो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। सो सुबह पानी हमारे बॉल मूवमेंट को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं और हमारी बॉडी फ्रेश और हेल्दी हो जाती है। पानी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सुबह जब हम खाली पेट पानी पीते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बैलेंस होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, और उससे हमें बीमारियों से बचने में हेल्प मिलती है। पानी से हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। हम जो भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो पानी के थ्रू हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। सो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, और मेटाबॉलिज्म से हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है। पानी से हमें वेट लॉस होता है। पानी पीने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है, क्योंकि हमारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं, हमें भूख कम लगती है, हमें मॉर्निंग में क्रेविंग्स कम होती है, जिसके कारण हमारा वेट लॉस होता है। पानी हमारे कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है और हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है और हमारे स्किन को हेल्दी और फ्रेश बनाता है। डिहाइड्रेशन से हमारे स्किन में डार्क पैचेस होते हैं, रिंकल्स हो सकते हैं। सो पानी एक ऐसा मोड है जो हमारे बॉडी से और स्किन से टॉक्सिन्स को फ्रेश आउट करता है। सो हमारी स्किन ऑब्वियसली हेल्दी होती है, फ्रेश होती है। पानी हमें किडनी के स्टोन से बचाता है, क्योंकि पानी हमारी बॉडी में जो भी एसिड्स फॉर्म होते हैं उनको डाइल्यूट करने में हेल्प करता है, जिसके कारण स्टोन्स फॉर्म नहीं होते और हम कॉलन एंड ब्लैडर के इन्फेक्शन से भी बचते हैं। पानी हेयर्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। हमारे हेयर्स का 1/4 पार्ट पानी से बना है, और पानी ही एक ऐसा मोड है जो कि विटामिन्स को हेयर्स में ट्रांसपोर्ट करता है। पानी की कमी से हेयर्स की रूट्स ड्राई, ब्रिटल और रफ हो जाते हैं। सो पानी हमारे हेयर्स को हाइड्रेटेड रखता है और उन्हें हेल्दी बनाता है। पानी को रात में कॉपर वेसल में स्टोर कर सकते हैं और सुबह उसे पी सकते हैं। कॉपर वेसल एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो कि फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है, कैंसर प्रिवेंशन में हेल्प करता है, बॉडी का वेट लूज करने में हेल्प करता है, हार्ट रेट कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है। इसलिए इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और आयुर्वेदा में कॉपर वेसल को ताम्र जग भी कहते हैं। कहते हैं ना, किसी की भी चीज़ की अति भी बुरी होती है, इसीलिए ज़्यादा पानी पीना भी हमारे बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है। ज़्यादा पानी पीने से हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो सकते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। हम टायर्ड फील कर सकते हैं, हमारे बॉडी में क्रैम्प्स आ सकते हैं, हम फटीग का शिकार हो सकते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ज़्यादा पानी पीने से बॉडी का सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम हो सकता है, जिसके कारण ब्रेन में स्वेलिंग आ सकती है, ब्रेन की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, इंसान कोमा में भी जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। सो अगर आप लोग ने इस हैबिट को अभी तक नहीं अपनाया है तो प्लीज़ इसे अपनाइए। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है, पर बहुत बेनिफिशियल है। मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में ऐसी बहुत सी हैबिट्स के बारे में आपको बताऊंगी, जिसके कारण आपकी मॉर्निंग एक मिरेकल मॉर्निंग में कन्वर्ट हो सकती है। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जाते जाते कुछ पंक्तियाँ बयान करना चाहूँगी। आसान बहुत है ये आदत अपनाना, अब न चलेगा कोई भी बहाना। आसान बहुत है ये आदत अपनाना, अब न चलेगा कोई भी बहाना। बस पीना है पानी, क्योंकि इसके फायदे हैं कई, बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं।